प्रोफेशन जिसमें तुझे नाम इज्जत शौहरत, ये प्रोफेशन में तुझे 5-6 रुपए अगर महीने के चाहिए तो 5 मिलेंगे, अगर 25,000 महीने के चाहिए तो 25 मिलेंगे, अगर 50 चाहिए तो 50 मिलेंगे, अगर तुझे 1,00,000 रुपया चाहिए तो 1,00,000 रुपया मिलेगा, 2,00,000 चाहिए तो 2,00,000। तू बोल तेरे को कितना चाहिए, तेरे चाहतों के हिसाब से, तेरे चाहतों के हिसाब से तुझे पैसा मिलेगा, तेरे जरूरतों के हिसाब से नहीं, तेरे चाहतों के हिसाब से तुझे पैसे मिलेंगे। वो है सेल्स का ये लाइन, क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। जब भी आपको अगला लेवल पे जाना है, पढ़ाई को बढ़ाओ। कि हम में से कईयों को ये नहीं मालूम कि हमें जाना कहाँ, अब जाना कहाँ है मालूम नहीं है तो कोई भी रास्ता चले। जब मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है, तो मैं किस लिए लड़ रहा हूँ मुझे भी नहीं मालूम। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद लाइफ। चाहतों को लगातार मारा और जरूरतों के हिसाब से जीने की हमने आदत डाल दी, क्योंकि जिसका लक्ष्य नहीं होता वो जरूरतों के हिसाब से जीता है, जिसका लक्ष्य होता वो चाहतों के साथ जीता है। सीक्रेट क्या है सक्सेस का? सक्सेसफुल लोगों ने वो चीज करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल और एवरेज लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो करो जो आपको अच्छा नहीं लगता। तो मैं एक कदम आगे बढ़ के जाके झांकने की कोशिश की कि ये जो सक्सेसफुल लोग है वो कर रहे हैं जो अनसक्सेसफुल लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो क्या ये सक्सेसफुल लोगों को बहुत अच्छा लगता है? पता चला कि सक्सेसफुल लोगों को भी वो करना अच्छा नहीं लगता जो अनसक्सेसफुल लोगों को भी करना अच्छा नहीं लगता। तो आपके अंदर का शक्ति और दम आपसे कौन करवा रहा है वो सब चीज जो आपको अच्छा नहीं लगता? आपका पर्पस करवा रहा है, क्योंकि आपके पर्पस में दम है, आप में नहीं। लेकिन जिसके पास पर्पस नहीं है उसके पास दम ही नहीं है।